हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ पेट की चर्बी कैसे घटाएं। एक्चुअली हर कोई जो मोटा है उसकी तो पेट निकला ही हुआ है, तोद निकली ही हुई है, लेकिन जो पतले हैं उनकी भी तोद निकली है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए, इसको कम करने के लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए, पूरे देखिए इस वीडियो को, आपको जरूर फायदा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। हाँ, पेट संबंधित मतलब जिसे जिसकी तोद निकली हुई है, जो लोग मोटे हैं उनको हाई रिस्क रहता है, क्योंकि वह बढ़ा हुआ पेट आपके स्वास्थ्य संबंधित स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है और ढेर सारी प्रॉब्लम उत्पन्न करता है, लाइक शुगर, बीपी और डाइजेशन प्रॉब्लम। तो इसके लिए मैं आप लोगों के बीच में टिप्स लाया हूँ, 5 टिप्स है, ध्यान दीजिए। पहला है, थोड़ा थोड़ा खाएं। मतलब अगर आप एक ही बार खाने की आपकी हैबिट है तो आप उसको 2-3 बार में खाएं और 2-3 भाग में थोड़े थोड़े करके खाएं। जैसे एक ही बार लोग नटी के बराबर खा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, थोड़े थोड़े मात्रा में 4-5 बार खाना है। और इस तरह करने से आपका पेट भी खाली रहेगा और एनर्जी की कमी नहीं होगा, ऊर्जावान भी रहेंगे। नेक्स्ट है गर्म पानी। सुबह उठकर खाली पेट आप गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी पीने से आपके फैट का डिपोजिशन मतलब फैट का विलयन होता है, जिससे आपका पेट कम होता है। गुनगुना पानी तो उसमें थोड़ा सा नींबू या आधा फाई के नींबू निचोड़ के डाल दें, अदरवाइज आप उसमें थोड़ा सा मधु डाल के, या मधु मतलब हनी डाल के पी सकते हैं। उससे पीने से आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपका फैट डिपोजिशन जल्दी कम हो जाएगा। शहद एक ऐसी तत्व है, ऐसा जो हमारा स्थावर जीव से मिला हुआ प्रोडक्ट है, जिसके वजह से हमारे शरीर की धातुएं क्षय होती हैं। दोस्तों, ऐसे करने से आपके शरीर का जो होता है ऊर्जा भी बनी रहती है। मॉर्निंग वॉकिंग, ब्रिक्स वॉकिंग, जॉकिंग, जिसको लोग कोई जिम में जाता है तो कोई टहलने जाता है, ये करने से आपका सुबह सुबह पैदल चलना, जॉकिंग करना, या तो इससे संबंधित व्यायाम करना, योगा करना, कपालभाती करना, डिप्स मारना, ये थिंग्स हैं। इसको करने से आपके पेट की चर्बी कम होती है। इसके साथ साथ एक ही दिन में तो नहीं कम होती है, लेकिन धीरे 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 रेगुलर आप करेंगे तो कम हो जाएगी। पाचन तंत्र भी अच्छी रहती है व्यायाम करने से, और शरीर दिन भर आप फ्री मतलब लाइट वेट अपने बॉडी को पाएंगे, एकदम फुर्तीले रहेंगे और आपके शरीर में ऊर्जा भी बनी रहेगी। 5वें टॉपिक है, वो है देर रात को न खाएं। कुछ लोग होते हैं ड्यूटी से आते हैं, छूटते हैं, 10 बजे छूटेंगे तो 11-12 बजे खाएंगे। ये कोशिश करिए कि आप थोड़ा जल्दी खाएं, सोने से 2-3 घंटा पहले खाएं, और खा के हो सके तो थोड़ा टहलने का प्रयास करें। थोड़ा टहलने से आप ताजा तरोताजा फील करेंगे और आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपके शरीर में फैट का डिपोजिशन नहीं होगा। लेट खाना भी चर्बी ज़्यादा होने का एक प्रमुख कारण है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।